दोस्तों नमस्कार, मैं अजय कुमार वर्मा, SA&ABC। आज का वीडियो है दोस्तों एक बहुत ही गंभीर समस्या जो कि पोल्ट्री फार्मरों के लिए है, और उस समस्या के ऊपर मैं बात करने वाला हूं दोस्तों। तो आप लोगों से मैं एक ही आशा करूंगा कि आप लोगों का क्या विचार है इसके ऊपर, आप लोग अपना विचार जरूर रखें दोस्तों। जो समस्याएँ होती हैं पोल्ट्री लाइन में दोस्तों, बहुत सारी हैं वैसे, चाहे वो डिजीज की समस्या हो यानी बीमारियों की समस्या हो, या इंटीग्रेशन की समस्या हो, या बहुत सारी जगहों पे ऐसे भी किसान भाई हैं जो कि कहते हैं कि हमारे यहाँ सर कंपनियाँ नहीं हैं, अगर मैं इंटीग्रेशन फार्मिंग करना चाह रहा हूँ तो कंपनी नहीं है। ऐसे ही बहुत सारी समस्याएं हैं दोस्तों, पर मेन जो समस्या है वो है ये कि अगर मान लीजिए दोस्तों कि आप, पहली चीज तो ये है कि आप लोग जितने भी किसान भाई हैं उनकी एक मजबूरी है, और वो मजबूर वो खुद हो जाते हैं। जैसे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आप लोगों के पास, ये गलती मैं खुद एक्चुअली कर चुका हूँ दोस्तों, तो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, मैं आप लोगों से कहना ये चाहूँगा कि अगर आप लोगों की कैपेसिटी यानी आपकी क्षमता जो इन्वेस्ट करने की है वो अगर 5 लाख रुपए है, तो सेड बनाने में आप 5 के 5 लाख का इन्वेस्टमेंट कभी गलती से भी मत करें। 5 लाख रुपए का अगर इन्वेस्टमेंट कर देंगे दोस्तों, तो आपके पास पूरी तरीके से हाथ खाली हो जाएगा। फिर आप जाएंगे इंटीग्रेशन की ओर, वहां पे आप जाएंगे कंपनी ढूंढेंगे, कंपनी मिलेगी, फिर उसके साथ में कॉन्टेक्ट करेंगे, आप नए होंगे, रिजल्ट नहीं आएगा, या अगर मान लीजिए रिजल्ट नहीं आ रहा है, मैं बेसिकली इस चीज़ को कह रहा हूँ कि मान लीजिए रिजल्ट नहीं आया तो होगा क्या कि उस टाइम पे आपका तो फिर से और घर से लगेगा। ये समस्या मैं दोस्तों अपने दिमाग से नहीं बोल रहा हूँ, मेरे पास हजारों ऐसे फ़ोन आए हैं जो कि यही समस्या, ये उनकी ये मेन समस्या है। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग जो 5 लाख रुपए लगा देते हो फार्मों में, उस 5 लाख में से मात्र और मात्र दोस्तों आप 2 लाख खर्चा कीजिए, मात्र 2 लाख, 2 लाख रुपए का फार्म बना लीजिए, उसमें 2 लाख के फार्म में आप 1000 मुर्गे पालिए, मात्र 1000 मुर्गे पालिए, पर अपना सेल्फ काम करिए। जैसे मेरे साथ हुआ क्या दोस्तों, मैं पिछले 4 साल लगातार मैंने अपना खुद की फार्मिंग की, और मैं काफ़ी जगहों से, जैसे दोस्तों मैं क्या करता था, मैं अपनी जर्नी के बारे में बताना चाहूँगा दोस्तों। आज के डेट में तो मेरे पास फार्म्स हैं, लेकिन इसके पहले मैं क्या करता था कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास अगर जब दोस्तों मैं अपना सेल्फ करता था, तो उस टाइम होता क्या था कि कभी कभी ऐसा होता था कि मैं इतने पैसे कमा लेता था, 2-3 हज़ार मुर्गे से इतने पैसे कमा लेता था कि मैं, अगर अभी आपको बताना चाहूँगा कि इंटीग्रेशन में अगर मैं 1 साल काम करूँ, 1 साल में 5 बार 4 बार 6 बार जितनी भी बार मैं लॉट डालता हूँ, उससे कहीं ना कहीं ज़्यादा पैसा मैं सेल्फ से कमा लेता था 2-3 बार काम करके। ठीक है दोस्तों, तो ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है। जैसे दोस्तों मैं सीजनली मुर्गे डालता था, होली में, दिवाली में, ईद में, बकरा ईद में, दशहरे के बाद जैसे जस्ट हमारा माल तैयार हो जाता था, इसके बाद में दोस्तों लगन जब चलती थी उस टाइम में मुर्गे डालता था, तो वो मैं सोच समझ के काम करता था और मैं काफ़ी बेहतर पैसा कमाता था। लेकिन जब से इंटीग्रेशन को मैंने ज़्यादा बढ़ावा दे दिया, यानी मैं टोटली इंटीग्रेशन पे आ गया, तब से दोस्तों कंपनी की कुछ समस्याओं के कारण से और अपने भी कुछ समस्याओं के कारण से मैं हमेशा परेशान रहता हूँ। तो ये मैं कहना चाहूँगा किसान भाइयों कि अगर आप शुरू कर रहे हो काम, तो थोड़ा करो लेकिन निजी काम करो। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आप खुद की फीड बना रहे हो, जैसे कि मान लीजिए आपने 60 में 10 कुंटल यानी 1 टन की बात करूँगा,
एक टन अगर फीड बना रहे हो तो इसमें आपका, मैं अगर आप लोगों का कमेंट रहा तो मैं इसको लिख के भी दे दूंगा, पूरा फीड का फार्मूला भी दे दूंगा, क्या क्या मिलाया जाए जिससे फीड बन जाएगा वो भी बता दूंगा। लेकिन दोस्तों आप लोग अगर ऐसा नहीं कर रहे हो, सिर्फ कंपनी मेड फीड ही खिला रहे हो, तो भी अगर आप सीजन पे मुर्गे डालोगे जब मुर्गे का रेट अच्छा रहता है तो आप कमा लोगे पैसा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आज के डेट में दोस्तों हम यही कहेंगे सभी किसान भाइयों से कि सिर्फ और सिर्फ कंपनी के ऊपर यानी इंटीग्रेशन फार्मिंग के ऊपर डिपेंड ना हो, वरना एक दिन ऐसा आएगा कि आप लोग बहुत पछताएंगे, और जैसे कि मैं पछता रहा हूँ। चक्कर ये है दोस्तों कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि शायद मैं वीडियो में नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ये मान के चलिए कि बहुत गंभीर समस्या होती जा रही है, दिन पर दिन बहुत समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। तो आप लोग निजी काम करने के पीछे भागिए, सेल्फ के पीछे बिल्कुल ना भागिए दोस्तों। मैं बता रहा हूँ आप इंटीग्रेशन में आप 5000 मुर्गे पाल लीजिए, 5000 मुर्गों से आपको 1,00,000 रुपए की बचत, चाहे मुर्गा महंगा हो चाहे सस्ता हो, सस्ता रहेगा तो आपका बराबर पे छूटेगा, यानी जो आपकी तैयारी आएगी कास्टिंग आएगी उसके लेवल में छूट जाएंगे आप। अब मान लीजिए कि मुर्गा 120 रुपए में, 115 105 रुपए में बिक रहा है, तो जितना ऊपर जाएंगे उतना आपको प्रॉफिट ही होने वाला है। तो हमेशा ये करिए। वैसे दोस्तों मैं अब क्या बताऊँ दोस्तों, मैं पिछले ये फार्म बनाने के चक्कर में, सारी सुविधाएं जुटाने के चक्कर में मैं बहुत ज़्यादा अभी टूट चुका था, तो इसलिए मैंने क्या किया कि पूरी तरीके से मैं भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे डिपेंड हो गया था। लेकिन दोस्तों अब धीरे धीरे करके मैं अभी 2000 से शुरू किया हूँ, 2000 का लाट मेरा था, इसके बाद अभी मैं 4000 करूँगा, 4 से फिर 6000 करूँगा, 6 से 10000 करूँगा। लेकिन दोस्तों इसी तरीके से काम करूँगा मैं, ना तो मैं किसी को ये कहूँगा कि आप लोग कम करिए, लेकिन अपना निजी काम करिए, क्योंकि कंपनी के सहारे बैठेंगे दोस्तों तो आप लोग अभी नए होंगे, इसलिए मैं अब बता दे रहा हूँ आप लोगों को, जब पुराने हो जाएंगे धीरे धीरे, आप इस फील्ड में कुछ दिन निकाल लेंगे, इसके बाद आपको ये तकलीफ़ समझ में आ जाएगी। मैं ये कह रहा हूँ दोस्तों कि हाँ यही चीज़ है कि अगर आप बड़ा काम कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए 20,000 मुर्गे डाल रहे हैं, 10,000 डाल रहे हैं, 15,000 डाल रहे हैं, यानी 5,000 से ऊपर, तब आप इंटीग्रेशन भी कर सकते हो, क्योंकि उसमें तो इतनी बड़ी बजट लग रही है कि आप नहीं कर पाएंगे इतना जल्दी। तो आप कम से कम शुरू करें। मैं नए किसान भाइयों को बताना चाह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ये मेन जो मेरा वीडियो है नए किसान भाइयों के लिए है कि आप छोटे स्तर से काम शुरू करें और उसको धीरे धीरे बड़ा करें। धन्यवाद दोस्तों।